नमस्कार, मैं साकेत जैन EMS टीवी के लिए सागर से। आज हम वहाँ पहुँचे हैं लोकसभा प्रत्याशी सागर के लिए श्रीमती लता वानखेड़े जी से। आइए चलते हैं और उनसे आज उनके विचार जानते हैं। मैडम, स्वागत है आपका EMS टीवी के लिए। सबसे पहले मैम ये बताएं कि आप पार्टी में किन किन पदों पर रह चुके हैं, प्रमुख पदों पर? हमारा राजनीतिक सफर तो बहुत लंबा है। हमने 95 में सबसे पहले मकरोनी ग्राम पंचायत से पंच का चुनाव लड़ा, उसके साथ ही हमने भाजपा की सदस्यता ली 92 में, और तब से हम मंडलों में सदस्य रहे। उसके बाद हम जब पंच बने, उसके बाद हम थोड़ा सक्रिय राजनीति में आए। फिर हमने सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद के साथ साथ फिर हम सरपंच बने सन 2000 में। फिर हम 2015 तक लगातार 3 बार सरपंच रहे, और साथ ही हम महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे 2 बार, एक बार महामंत्री रहे, 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, और उसके साथ हम उसके बाद हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे स्मृति जी की टीम में, और साथ ही हम त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उसके बाद हम प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश के उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हम दोनों साथ रहे। और स्मृति जी ने हमें महिला सुशासन करके कार्यक्रम था उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाया था, उस नाते हमने पूरे देश में जनप्रतिनिधि महिलाओं के सम्मेलन करने का काम किया था। और उसके बाद हम 2013 में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद 2016 में हम महिला आयोग के अध्यक्ष बने, जिसमें हमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, और उसके बाद जब हमारा आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद हम प्रदेश मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी जी जी, साथ ही हम विदिशा के प्रभारी बने जी, और उसके साथ ही साथ ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की कई समितियों में हम रहे, जैसे हम सर्व शिक्षा अभियान में डायरेक्टर रहे, स्काउट गाइड में हम लगातार 3री बार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और अचानक से आप मतलब आपने खुद इच्छा जाहिर करी कि पार्टी ने खुद आपको चुना, कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, हमारी देखिए, हम तो लगातार निरंतर 2014 से दावेदारी करते हैं सांसद पद के लिए जी जी। 2014 में हमारा टिकट घोषित होने के बाद फिर हमें मतलब लाइनें सब चल गई थी जी जी चैनल पे, उसके बाद हमारा टिकट नहीं हो पाया, इसलिए हमें फिर आयोग का अध्यक्ष बना दिया था जी, और दूसरी बार भी फिर हमारा किसी कारणों से नहीं हो पाया था 2019 में। तो अब तो दीदी, आगे आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेके, क्या एजेंडा है आपका, कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनसेवा हमारा प्रमुख एजेंडा है, हम जनता की सेवा के लिए जनसेवक बन के काम करेंगे, और साथ ही हमारा बहुत सारा विजन है, जैसे कि हमें बुंदेलखंड में रोजगार की संभावनाएं बहुत सारी हैं, उन्हें तलाश के और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है आत्मनिर्भर भारत के तहत जी। और फिर हमारा महिला तो हमारा पहला विषय है, क्योंकि हमने 25 वर्ष महिलाओं के महिला मोर्चा में ही काम किया है, तो हम महिलाओं के समस्याओं से बहुत रूबरू हैं, हमसे ज्यादा हमें लगता है महिलाओं की स्थिति। रोजगार को लेके आपका क्या सोचना है, जैसे निर्माण कार्य तो हो रहे, विकास कार्य चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन हम देखने में आ रहा सिर्फ रोडें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा, क्या होता तो है आपका नहीं आपका क्या एजेंडा रहेगा व्यापार को लेके? बताया ना हमने कि हम हमारा तो एक तो सबसे प्रमुख एजेंडा है रोजगार जी जी सृजित करना जी। कैसे कर सकते हैं, हमारे मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना लाई आत्मनिर्भर भारत जी जी, उसके तहत ऐसे कई प्रोजेक्ट है, ऐसे कई रोजगार के अवसर है जो हमारे युवाओं को हम लाएंगे उनके लिए जी जी, हमारा सबसे प्रमुख एजेंडा है। दूसरा हमारे सबसे बड़ा हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अपने बुंदेलखंड में बहुत सारे काम करने हैं, जैसे हमारे बुंदेलखंड में हमें एम्स की बहुत ज़रूरत है जी जी, हम एम्स आने का कोशिश करेंगे, ट्रेनें हमारी बहुत सारी ऐसी हैं जो इसका हमें स्टॉपेज चाहिए वो हम करेंगे जी, और एयरपोर्ट हमारे सागर में सबसे हाँ बड़ी मांग है हाँ, वो भी हाँ जी, हमें एयरपोर्ट यहाँ पर निर्मित कराना है, ताकि सीधी हमारी कनेक्टिविटी बड़े महानगरों से हो सके। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा बस आपसे कि जैसे आप तो सागर से हैं और
आपके जो प्रतिद्वंदी रहेंगे अभी वर्तमान में, जिनको अपन प्रतिद्वंदी समझें, वो सागर से तो है नहीं, तो आप क्या देखते हैं जनता को इस चीज से, क्या जनता कुछ विचार बनाएगी इस चीज का? सागर से तो दूर, वो तो मध्य प्रदेश से ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से है। जी जी, और फैसला तो अब जनता लेगी। हाँ जी, लेकिन फर्क तो पड़ेगा, जनता आपसे रूबरू आसानी से होगी। हमारी शादी को 32 साल हो गए, हम 32 साल से सागर में जी हैं। वही मेरा कहना आपसे, हमारा मायका है मध्य प्रदेश, हमारा मायका है मध्य प्रदेश, हमारा ससुराल है जी जी। महिलाएं शादी होकर अपने ससुराल ही आती है जी, इसलिए वो बाहर ही नहीं रहती जी। चलिए, धन्यवाद। ये थी हमारी वार्तालाप श्रीमती लता वानखेड़े जी से। आगे आपको इस पहलू में और जानकारियां देते हैं, बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। धन्यवाद मैम, आपने इतना टाइम दिया। नमस्कार।